हड्डियां ने जो है जोड़ दे हैं, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो। ये इसकी कौन ठीक करी है इसकी? अच्छा अच्छा हाँ, आपका चैनल को हम ऐसे नहीं बदनाम करेंगे, ठीक है? हाँ, ये देखियो करके दिखाएंगे आपको। ठीक, अंकल के पास आई न तरीकत है, मेरा काम कर रहा, दूसरी बार दिखा था मेरा लगभग ये हाथ मेरा ठीक है। आज तीसरी बार आए हैं और कम से कम 40% आराम हो रखा है। एक ही बार में, पहली बार में जो गाड़ी से उतर नहीं सके थी, जिसको सहारा दे के उतारा था, उसको पहली बार में पेड़ा चढ़ा दिया था। जो बात है वो पूरी सच्ची दिल तक बताइए जी। दिल किया है जी, मैंने पहले ही बता दिया, वैद्य गारंटी ना लियो, वैद्य के पास आ जियो जी, मेरी गारंटी है। शुरू में पहले ज़्यादा दर्द था हाथ में, फिर आराम हुआ, फिर दूसरी बार आया, फिर थोड़ा आराम होया, अब तीसरी बार लेने आया हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो मेरी माँ को लेके गया था। अच्छा अच्छा, मतलब होया आराम? सुविधा है, खाने पीने की भी सुविधा है, बाहर का जो भी आओ उसका इसका यहाँ। अच्छा अच्छा, और यहाँ से पूरा पैर में हो जाता है। उसी एक भी बार में इतना आराम हो गया था कि दोबारा जाने की जरूरत दिक्कत थी, कमर में दिक्कत थी, झटका लग रहा था, मतलब राम राम भाई, सारे भाई नम आपका भाई सुंदर दिनों दिया, और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई डाणा जो है लड्डनपुर में हूँ। आप ये कहोगे भाई डाणे की तो तने पहली वीडियो बना रखी है, वो डाणा नरसान था, लेकिन ईब खड़े हाँ पा डाणा लड्डनपुर में, और इस साइड न फाटक है भाई, यह फाटक है, यह देखो यह फाटक है, और यह फाटक तो यार न क्रॉस करोगे 101 मीटर, तो इस साइड न मैं कहूँगा कन्हैया सिंह वैद्य है, एक कन्हैया सिंह वैद्य बुजुर्ग है, और भाई जो यार की भीड़ देखो हो, बाइक भी खड़ी है, गाड़ी भी खड़ी है, और बाहर तभी जो है भाई जो मरीज हैं वे आ रहे हैं भाई, उनका जो है परिवार वाले ने भी जो है लेके आ रहे हैं, और बात करा भाई के जो है भाई दर्द ठीक करा है, आपने जो है वैद्य देखे होंगे भाई, सिर्फ इंसाना का जो है दर्द या फिर भाई घुटने का लगा लो, कमर का लगा लो, भाई मोचारियो तो आदमिया का जो है कराया कर दे, लेकिन जो कन्हैया सिंह है जो वैद्य जी हैं ये पशुआ ने भी ठीक कर रहे हैं, पशुआ ने जिस तरह भाई मोच आ गई, पाम कितने मुस गया, खड्डा में पड़ गया, तो उसने भी ये ठीक करने का काम कर रहे हैं, कैसा लत कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, वो पूरी की पूरी बात जो है वैद्य जी तक करवाऊंगा। और आज देख लो यार जो है वैद्य जी इस साइड बैठे हैं भाई, ये देखो यार जो है अपना वैद्य जी बैठे पाऊंगे। सबसे पहले मैं फोटो दिखा दूँ, मोबाइल नंबर दिखा दूँ, अपना आना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लियो। ये देखिए ये हैं वैद्य जी, ये देखिए आप, और इन में लिख भी रखा भाई, ये देखो गाय भैंस आदि जानवरों की हड्डियों को भी जोड़ा जाता है, तो भाई हड्डियां ने जो है जोड़ दे हैं, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो जोड़ दे हैं, और मोबाइल नंबर भाई यो दे रखा है, बाकी अपने स्क्रीन के ऊपर भी जो है यो नंबर चल रहा है भाई। ये देखिए पूरा का पूरा बैनर, और इसमें लिख रखा है 35 साल तक जो है भाई इस सेवा में हाजिर हैं, और इस साइड ना जो है भाई जो वैद्य जी हैं वे ये ठीक करने लग रहे हैं, ये देखिए आप इस तरह तो जो है भाई ठीक करा जा है, और जो है वैद्य जी बोले हमें तो बुजुर्ग हो गए, लेकिन हमी भी जो है युवा हैं उन सिखाने का काम करांगे, तो देख लो जो युवा है वो जो है सिकन भी लग रहा है, एक दादा खड़ा, दादा बैठ जाओ ना तकलीफ पाओगे, तो वैद्य जी राम राम। राम राम जी, राम ठीक सो, खूब बढ़िया सर। नाम है जी? कन्हैया नाम है मेरा, गाँव खरक है। अच्छा, और हमारा 3 पीढ़ी से ये काम है। अच्छा, हाँ, इसका, लग रहे थे ये इसकी कौन ठीक करी है इसकी? अच्छा अच्छा, हाँ कोणी में दर्द था, कोणी में दर्द था, ये यहाँ से बड़ी पुरानी ले रही हो ना, पुरानी से है और मतलब काफी साल तक लगा, काफी 35 साल हो गए। 35 साल है? हाँ जी, और हमारे बाबा दादी भी और ये ही काम करते थे। अच्छा जी, मतलब जो बुजुर्ग थे 3 पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी में
अच्छा अच्छा जी, तो जी उसमें लिख रखा है पशुआ का भी। हाँ पशुआ का भी करता हूँ। हाँ और नाम भाई दीपक भाई आप सीख रहे हो ना अपने दादाजी से कान लग रहे हैं अपने भाई सीख रहे हैं साथ में। अच्छा सीख रहे हो। हाँ जी। अच्छा एक यो भाई है। हाँ जी ये बाबा जी ये रोहित नाम है जी मेरा। रोहित या दवाई है वैद्य जी? देसी दवाई। हाँ देसी दवाई है। बिल्कुल देसी। ये लगाने की भी खाने की भी है दो दो गोली। वैद्य आप एक बार बैठो मैं प्रॉपर जो है इंटरव्यू कराएंगे भाई क्योंकि आज देखो जो दौर है वो चल रहा है भाई इलेक्शना का और इलेक्शना के बीच में भाई कई फोन भी आ जाए भाई कोई बढ़िया सा वैद बता दे भाई मेरा दर्द हो रहा है कमर में है बहुत ज़्यादा जो है भाई मरीजा के फोन आओ हैं तो इसलिए भाई जो है मैंने बेरा पटाया इसी तरह तो भाई एक वैद है और जो भाई 35 साल तय जो है दर्द न गायब कर दे है मोचार योच कुछ हो दर्द न ठीक कर दे है तो वैद्य जी बात करा पा इस काम की तो यो काम कितना मतलब आसान है कितना मुश्किल है के करना इस देखो इसमें सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लागे से बाकी बहुत बढ़िया से सेवा भी है ये और अब उसका भी गुजारा भी से डॉक्टर का भी। हाँ तो इसमें दोनों काम ठीक हो जाएंगे कर्म भी धर्म भी ठीक है। ठीक है तो के चीज ठीक करो आप? मैं शरीर का कोई भी अंग नाड़ से लेकर पंजे तक ठीक करता हूँ। अच्छा हाँ जी कोई भी उसमें क्या आ जाए सर्वाइकल सर्वाइकल मोच आंगली गुठा गोड्डा ये कड़ कमर का दर्द ठीक पाँव में मोच पंजे में आंगलिया में ये सब काम करते हैं। अच्छा और पशुओं का भी और बच्चों का भी ठीक है। ठीक तो ये हमारा काफी 3 पीढ़ी से है ये प्रोग्राम चला आ रहा है। 3 पीढ़ी से चला आ रहा है। ठीक है ठीक है तो वैद्य जी आड़ा कोई मरीज आव है तो के बुझ के आवे किस तरह आवे कुकर भाई वो तो ये भाई ये बताएंगे मैं तो खर गांव का हूँ ये लाडनपुर डाना है यहाँ और यहाँ इनको बच्चों को मैं सिखाऊं भी गाए। अच्छा हाँ जी सिखाऊंगा मैं इनको 2-3-4-5 बच्चे और भी किसी की इच्छा हो सीखने की तमन्ना है तो आ सके सो भाई मैं उसको सिखा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक लेकिन तो आना पड़ेगा 3-4-6 महीने का ये कोर्स है। बिल्कुल फॉरवर्ड कर दूंगा जी। तो वैद्य जी जिस तरह मान लो कमर में दर्द है हाँ। तो कई दिन में जाके ठीक होगा परहेज के क्यों है कुछ परहेज भी हाँ? परहेज उसके से सिर्फ खटाई और वजन ठाना। अच्छा। ये नहीं ठाना वजन नहीं ठाना खटाई नहीं खानी आमरी मिली की बस। अच्छा हाँ जी मतलब ये परहेज और कुछ नहीं है? और कोई परहेज नहीं और तुरंत 1-2% तो तुरंत आराम हो जाएगा। अच्छा हाँ जी बाद में 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और 1-2 बार मरीज को आना पड़ेगा। देखो भाई आज इनने अच्छा सोचा है क्योंकि बुजुर्ग हो गए इब ये जो है कार्यबल अपना संभालेंगे क्योंकि युवा है भाई झटका मारना या फिर खींचना बुजुर्ग तो हुआ को नहीं तो इनने सोचा कि आम ही करा। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये बता दो कोई आड़ा मरीज आवे तो किस तरह है कुकर बेरा पटाए एक बार वो बताओ। भाई डाणा लालडनपुर तो गांव है अपना एड्रेस जो आपने दिखाई होगी कुटुंब है ठीक है रेलवे फाटक नज़दीक है कन्हैया लाल जी वैद्य हैं तो ये नाम बताना है और बाकी मेन रोड जो है डाणा रोड है। ठीक है डाणा रोड है तो यारा मरीज आव है तो कितना संतुष्ट जो है उसने करके भेजोगे? भाई देखो एक बार आओगे ना भाई दूसर का बुलाएंगे का तीन बिल्कुल संतुष्ट करके भेजेंगे 2 बार बुलाएंगे दादा जिस भी मान ले दिक्कत होगी ना भाई ज़्यादा दिक्कत है तो दूसर का भी आना पड़ जाए नहीं तो पहली बार में ठीक कर देंगे 100% फुल गारंटी के साथ। अच्छा हाँ जी देखो नू ना हो कि वीडियो में बोल दे वैद्य जी ऐसा ना हो वीडियो में बोल दे अपने आपका चैनल को हम ऐसे नहीं बदनाम करेंगे ठीक है ये देखियो करके दिखाएंगे ठीक। चलो अच्छा पशुआ का जो है वो भी बता रहे हैं पशुआ का भी गाय भैंस जो भी हो पशुआ का भी कराना ठीक है।
जी भाई साहब राम राम। राम राम भाई, कैसे हो भाई? ठीक सा दे, हाथ दिखाना आए थे। अच्छा अच्छा, तीन चार दगा दिखा लिया। तरीका इतना मतलब इतना गलत तरीकत पेश आऊ बैद। मैं तो अंकल के पास आया, इन तरीकत मेरा काम करा, दूसरी बार दिखा था मेरा लगभग ही, वो हाथ मेरा ठीक है। हाँ बाबा राम राम। राम राम, मेरा वहाँ मेरा गोड्डा दिखाना खोवा बिल्कुल। अच्छा देखा, ठीक है। अरे पूरी की पूरी भीड़ भी जो हारी है भाई, ये देखो। अरे परन भी जो है भाई, जो मरीज हैं वो बैठे हैं। आज एक बार दिखाऊंगा मैं, आज गाड़ी भी खड़ी है। और इस साइड ना भाई जो बाहर तारे हैं वो ये बैठे भाई। और बैनर भी आप देख सको हो। राम राम जी। राम राम जी, ठीक सो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठे बैठे जो है बात कर लें। कहाँ से जी? भिवानी से आए। भिवानी, आप जी? बुआनी खेड़ा से। बुआनी खेड़ा, आप जी? टिकराना से। टिकराना, आप जी? टिकराना से। टिकराना, अच्छा आप टिकराना तो हो, बुआनी खेड़ा, और आप बुआनी से? हाँ जी। आप भाई? हम तो डाने से है सर। अच्छा डाना से। तो जी बात करा इस वैद्य की, बता रहे हैं 35 साल तक जो हैं अपनी सेवा जो है देने लग रहे हैं, तो के लग है याड़ा के मरीज ठीक हो गए? हाँ जी बिल्कुल होता है, क्योंकि इनकी 3 पीढ़ियाँ इसी यही काम किया है अभी तक। और इन्होंने कन्हैयालाल जी को बहुत ही अच्छा इस चीज़ में वो है, क्योंकि हमने लिगामेंट में डॉक्टर ने घुटने की ग्रीस ख़त्म होने की वजह से ऑपरेशन बोल दिया दोनों घुटनों का, जिसकी आज कीमत मान के चलो 6 से 7 लाख रुपए डॉक्टर मांगता है। और उसमें आज 40 से 45% आराम है। हम तीसरी बार आए हैं अभी इनके पास दिखाने के लिए। तो जी बात करा, आप लाखों में बात कर रहे हो रुपया की? हाँ जी, तो याड़े के किस हिसाब से? सिर्फ तेल की मालिश करते हैं और कुछ अपनी देसी गोलियां बना कर देते हैं। पक्की बात है? हाँ जी बिल्कुल, वो उसी से ही आज तीसरी बार आए हैं और कम से कम 40% आराम हो रखा है जी। जी हाँ जी, राम राम। राम राम जी। तो जी के कुछ तकलीफ है, किस तरह? ये सर्वाइकल की तकलीफ थी, जिससे कि चलने फिरने में, उठने बैठने में, और जैसे जैसे 4 बजे उठते चक्कर आना था, तो सर्वाइकल का इतना बढ़िया इलाज हुआ। पहली बार में ही आराम से चल फिर, यही से चल फिर सकता है मरीज कोई भी हो, आराम से। आपका स्वास्थ्य तो ठीक लग गया है? हाँ बिल्कुल, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से दिक्कत थी। और अपनी सिस्टर है राजौंद गांव कैथल डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। उसका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बोल दिया था, हम पहली बार उसकी वजह से आए थे। अच्छा। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बोल दिया था, वो मिलने आई थी हमारे पास, हमने इनका पता चल गया था। इन्होंने जैसे ही एक ही बार में, पहली बार में जो गाड़ी से उतर नहीं सके थी, जिसको सहारा दे के उतारा था, उसको पहली बार में पैड़ा चढ़ा दिया था। अच्छा। हाँ ये गारंटी है जी मेरी, ये वैद्य गारंटी ना लो, ये मैं लेता हूँ गारंटी, जो कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बोल दिया था, ऑपरेशन नहीं हुआ, आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। और राजौंद गांव के अंदर कम से कम 100 पेशेंट ठीक हो चुके हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का है। देखो जी वीडियो बन रही है, और के बेरा आपकी बात सुन के कोई और मरीज अड़ाव है? हाँ जी हाँ जी, वीडियो देख के भाई उसका आराम होया तो मेरे भी आराम हो। तो जो बात है वो पूरी सच्ची दिल तो बताइयो जी। दिल किया है जी, मैंने पहले ही बता दिया, वैद्य गारंटी ना लियो, वैद्य के पास आ जियो जी, मेरी गारंटी है कोई भी प्रॉब्लम होगी इससे संबंधित वो ठीक हो जाएगा। पहले फ़ोन कर लियो, ये मेरे तकलीफ है, अगर ये कह देंगे तो ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। मतलब खर्चा पानी के कुछ है? खर्चा पानी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल तेल है, हल्की फुल्की दवाई है, और सबसे काम है हाथों का। हाथों का है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा काम इनके हाथों काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका काम है। अच्छा जी 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 भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कुलदीप सिंह, मतिगणा गांव से जी। मेरे हाथ में दिक्कत थी जी ज़्यादा, किसी से अड़ोस पड़ोस से सुना था, किसी ने बता दिया वही यहाँ एक वैद्य है, बहुत पुराना वैद्य है, 3 पीढ़ियों से काम कर रहा है। तो वो सुन के मैं आया, शुरू में पहले ज़्यादा दर्द था हाथ में, फिर आराम हुआ, फिर दूसरी बार आया, फिर थोड़ा आराम होया, अब तीसरी बार लेने आया हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, मतलब कितना फर्क लग गया है? अब तो लगभग 80-90% ठीक लगता है। ठीक लग गया? हाँ। ये लगा हो जाएगा? हाँ, पहले तो ऐसे हाथ में ना उठा नहीं करता, अब तो बिल्कुल सही हो जाए। मगर तीसरी बार इसलिए दिखाने के लिए कितना परसेंट हाथ में दिक्कत है, रिहा नहीं रह रही है, मैं एक बार दवाई और ले आऊँ ताकि बिल्कुल ठीक हो जाए। नू है कोई युवा हो वो अलग बात है, यो है बुजुर्ग, और इसने तजुर्बा भी बहुत पाओगा है। बहुत है जी, ये सुन के आए थे, अगर 3 पीढ़ी से लगातार यही सेवा कर रहे हैं,
अनिल कुमार मेरा नाम है, तो मेरे अंकल के तकलीफ थी जी, तो मैं इनके पास आया था, तो इन्होंने उनको जब तो उनको लेके आया था, आज मैं उनको लेके नहीं आया, ठीक है, दवाइयों के लिए मैं आया हूँ और उनको 80% आराम हो गया जी। अच्छा, दवाई लेना है? हाँ, दवाई लेने के लिए वो तेल वगैरह और वो जो टैबलेट है ना वे लेने के लिए आया हूँ, आज उन्होंने लेके नहीं आया, मौसम थोड़ा ख़राब था इसलिए इसलिए वो लेके नहीं आया। हाँ, उनको पैरों में यहाँ से ऐसे दर्द था, उन्होंने मालिश वगैरह की थी, तो मौसम की वजह से उनको लेके नहीं आया और उनको काफ़ी आराम हो गया जी। आपका गाँव में क्योंकि वीडियो दूर दूर तक जागी और के बेरा कहीं ना कहीं आपने भी लोग जान दे, ओहो ये तो उस गांव का है भाई वैद्य और वो जो सरपंच है, तो आप दो रवि के बेरा फोन आ जाए तो के कहना चाहोगे इस वैद्य के बारे में? वैद्य जी बहुत ठीक हैं जी, बहुत पुराने 3 पीढ़ी से इनके दादा भी कर दिया है, ये भी कर दिया है, बाप भी कर दिया है, सुना है, और पहले मैं गया भी हूँ इनके पास एक बार, ये खरक कराया करते पहले इलाज खरक। हाँ ठीक है, तो मेरी माँ को लेके गा था। अच्छा अच्छा, मतलब होया आराम? हाँ आराम है, पक्की बात? पक्की है जी। चलो जी, लो जी, और आपने पूरी की पूरी जो है भाई बात सुनी, जो भारत आए हैं उनकी भी और गाम राम की भी, और ये देख लो, ये दिखाइयो जी, ओहो हो यो तरीका है, ये देखिए आप, यो तरीका है भाई, ये देखिए आप, दर्द था हाथ में? बिल्कुल था जी। की हो गया था? टूट गया था हाथ। टूट गया था? अच्छा, उतर गया था? टूट गया था पहले, ये उतर गया और ये चढ़ा दिया इसका हाथ। अच्छा, और मेरा चढ़ा भी दिया? बिल्कुल, इतना टाइम थोड़ी लग गया। अच्छा, 5 साल से दर्द था, ये बहुत आराम है, 1 मिनट में हो गया इसका आराम। जी आपका क्या करे जी? मेरे जी दोनों का ठीक कर दिए। हां, नानू भी बहुत दिन मेरे अरनू मर कद बैठे को गान। हां, नूट दे कोने गोड्डे भी कर दिए, गोड्डे बता दे, मतलब चमत्कार को नमस्कार है। हां बिल्कुल, हां पक्की बात से ना? पक्की है, तो लोबर की। हां, नम्मा तो नू तो कद बैठी 8 साल हो गए। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र होगी? उम्र होगी मेरी 86 गल हो गई। हाँ, तो किसी का तकलीफ है इस तरह ते आपकी डाले, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? उन्हें कहना चाहूँ बढ़िया काम हो गया भाई, जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब जल्दी ठीक होगा, हम जी कर दी। चलो, हाँ वाह जी वाह। तो हाँ जी, यहाँ रहने की और डटने की सुविधा है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, पक्की बात है, जो बंदा हो ना। हाँ, रहने की भी सुविधा है, खाने पीने की भी सुविधा है, बाहर का जो भी आओ उसका। हाँ जी, पक्की बात है यार, पक्की बात से। देखियो कदे ना, झूठ क्या तो बोलना है जी, झूठ क्या तो बोलना है, बाहर ताओ है। हाँ, रुकना चाहो है, रुकने की भी सुविधा है, खाने की भी सुविधा नहीं है उसके पास, तो वो रुक सकता है भाई, उसको खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, रहने के लिए जगह भी मिलेगी। चलो जी, एक बारी जो है अपना जो है लाइव जो है आप तक दिखावांगे, ये देखिए आप, नीचे मरीज है, ऊपर वैद्य है, और भाई कमर में दर्द है, ये देखिए आप, पूरी की पूरी जो है वीडियो आप देख रहे हो, ये देखिए आप, ये देखिए भाई जो है वैद्य जी, कमर में दर्द था और एक बारी मुद्दा, एक बारी सीधा, और या दवाई भाई, ये देखिए आप, पूरा
बजियो जो ईब तेल गिरा है की दवाई है या दवाई बनाई जाती है? देसी दवाई है। देसी दवाई? हाँ जी, सिरसम का मैं बनाता हूँ। आप खुद बनाओ? खुद बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी ठीक है, दवाइयों से ही बनाते हैं इसको। दवाई से ही बनाते हैं? हाँ जी, और सिरसम का तेल होता है। सिरसम का तेल होता है। तो भाई आप देख सको हो, रीढ़ की हड्डी में यार दर्द था। वह जी किस दर्द था इसका? इसका यहाँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ से पूरे पैर में हो जाता है दर्द। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से नस ब्लॉक होती है, जब पैर में पैरों में चला जाता है दर्द, क्यों खून दौरा करने नहीं पाता, कम दौरा करेगा। अच्छा अच्छा। तो दर्द हो जाएगा पैर में। दर्द हो जाएगा। किसी का सिर में दर्द और रहने लग जाता है, क्यों यहाँ से खून सप्लाई होता है पूरे शरीर में, और यहाँ रुकावट आ जाती है, तो कई बार नस सिर की भी ब्लॉक हो जाए, से कई बार पैरों की नस ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरह तो जी अपना जिस तरह महिलाओं हैं उसका किस तरह तक? उसका भी यही इलाज है। यही इलाज? यही इलाज आप पे करोगे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। महिलाओं का भी यही इलाज है। ठीक ठीक। मैं भाई डाणा नरसंत है। अच्छा। और जो अपने वैद्य जी हैं इनके पास मैं आज से 5 साल पहले गया था, मेरा पिताजी को लेके। अच्छा। हाँ, खरक गांव में। और एक ही बार गया था मैं, उसी एक ही बार में इतना आराम हो गया था कि दोबारा जाने की दिक्कत थी, कमर में दिक्कत थी, झटका लग रहा था। अच्छा। हाँ, और खरक गांव में 3 पीढ़ियां तक काम है इनका, और खरक गांव में जो भी है कोई आपका भी रिश्तेदार जानकार बुझ लियो, सभी जानते हैं। अच्छा। हाँ, और अपने तो भिवानी से 4-5 किलोमीटर की लोकेशन है, और अपना ये जो भी है मतलब ट्रेन सुविधा भी है, जो रिवाड़ी साइड से आते हैं ना वो यहाँ से 500 मीटर दूर है। ठीक है। हाँ, रेलवे स्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो, धन्यवाद जी। तो भाई अपना जो है पूरी की पूरी जो है वीडियो देखी होगी, और जो एक दो मरीज थे उनका भी भाई झटका मारा है, दवाई जो है मछली गई है। तो आपने क्या कुछ कहना है इसे पूरी वीडियो लेके, कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दी। सच्ची बताइए नहीं है, झूठ मार का सुनाना है नू नहीं है भाई। अरे जिस तरह आ गया कोई ठीक होने खातर उस पर 2500 ले लिए, 3000 ले लिए, 4000 ले लिए, जो भी है मान ले जो दवाई का चार्ज है 150-200 रुपये बस वही लिए जाएंगे। नू को नहीं भाई, आ गया उस मान ले नरी नरी 4 दाड़ की शीशी घोल घोल दे दी, या दिन में लेनी या शाम में लेनी या रात में लेनी या रोटी खाई लेनी है, नू है नू है। तो भाई अपना यो कहना है कोई भी आड़ा इलाज कराऊगा कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आऊगा। हाँ, अपने जो वीडियो में जी। हाँ, धन्यवाद जी। तो आपका नंबर है मोबाइल उसमें बैनर में, तो ये बता रहे हैं कि ज्यादा खर्चा नहीं है आपका की कहा? देखो जी कोई ज्यादा चार्ज नहीं है जी अपना। हाँ जी। के कुछ किस तरह भाई मान ले जो 10 दिन की 15 दिन की 20 दिन की जो भी दवाई देवांगे ना उसका हिसाब तो चार्ज लगेगा उसका हिसाब। हाँ जी। नू नहीं मतलब नू को नहीं भाई, लूट ना लूट मार वाला है को नहीं। चलो चलो। तो भाई करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद जय भारत।